बॉलीवुड की लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल फिल्मी अड्डा को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बॉलीवुड एक्टर कुणाल कपूर की अगली फिल्म नोबल मैन का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। इस फिल्म में बेहतरीन ढंग से हाई स्कूल में बदमाशी का मुद्दा उजागर किया गया है। सारेगामा इंडिया का हिस्सा यॉर्डली फिल्म्स द्वारा निर्मित इस फिल्म का निर्देशन वंदना कटारिया ने किया है। कुणाल कपूर के साथ इसमें कई नए चेहरे हैं। इस फिल्म की कहानी 15 साल के एक किशोर शॉय की आंखों से चलती है। वो अपनी किशोरावस्था की समस्याओं से जूझ रहा है और बदमाशों का एक गैंग उसे परेशान कर रहा है। फिल्म का बैकग्राउंड सिर्फ लड़कों का बोर्डिंग स्कूल है, जिसमें शॉय को उसके पसंदीदा विषय ड्रामेटिक्स में आगे बढ़ने के लिए मुरली प्रोत्साहित करता है। हालांकि उसकी शुरुआत शेक्सपियर के एक नाटक द मर्चेंट ऑफ वेनिस में अभिनय करने से शुरू होती है। वो बाद में आगे चलकर वरिष्ठता या फिर अहम की लड़ाई बन जाती है, जिसके चलते जिंदगी और निर्दोषता दोनों का नुकसान होता है। सारेगामा के बैनर तले यॉर्डली फिल्म्स की ये तीसरी फिल्म है। इससे पहले यॉर्डली फिल्म्स पिछले साल विवेचकों द्वारा सराहना पाने वाली देवाशीष मखीजा के निर्देशन में बनी फिल्म अज्जी और इस साल की शुरुआत में ऑनर के निर्देशन में परिपक्व रोमांटिक ड्रामा कुछ भीगे अल्फाज में रिलीज कर चुका है। न्यूज रूम से फिल्मी अड्डा की रिपोर्ट। बॉलीवुड की लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल फिल्मी अड्डा को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।